हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मार्केट में कैसे सेंटीमेंट बन रहे हैं, साथ में हम कहां पर ट्रेडिंग करेंगे, हमारा सपोर्ट कहां है, रेजिस्टेंस कहां है, सिल्वर माइक्रो में हमें किस लेवल पे एंट्री करनी चाहिए और एग्जिट का हमारा क्या प्लान होना चाहिए। वन बाय वन करके हम सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन उससे पहले, अभी तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया है, चैनल को देखा नहीं, तो आप देखिए, मैंने मॉर्निंग में जो आपके लिए पोस्ट किया था 63 का लेवल, वो बहुत ही क्रूशियल लेवल था। वो शाम के टाइम तक उसने इवनिंग में ब्रेक नहीं किया था। फिर मैंने आपके लिए यहाँ पे पोस्ट किया था कि मार्केट अभी यहाँ से बेरिस हो चुका है और ये भी नीचे जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ भी आपको अच्छा प्रॉफिट अर्न हुआ किया होगा आपने। तो आपने अभी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अब हम चलेंगे आज के चार्ट पे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को विजिट नहीं किया है, वहाँ सब्सक्राइब नहीं किया है मुझे लाइक, तो आप यहाँ पर जाइए, एक बार देखिए। यहाँ मैंने जो भी आपको पोस्ट किया था, आपको अच्छा मोमेंटम मिला था। सबसे पहले मॉर्निंग की अगर बात कर लेते हैं, मॉर्निंग में आपके लिए मैंने पोस्ट किया था लगभग 12 बजे के राउंड में कि मार्केट जो हमारी ओपनिंग थी, नीचे ओपन होता है तो ये इसके नीचे निकलता है। तो नीचे निकलने के साथ ही नेक्स्ट में अगर आप देखोगे, तो फिर जो मैंने आपके लिए पोस्ट किया था, ये था कि हमारी जो एनालिसिस थी, वहीं से सीधा ऊपर 63 का लेवल निकाल के ऊपर निकल गया। उसके बाद में इवनिंग के टाइम पे ये बेयरिश इंगल्फिंग 4 आवर के पैटर्न में बना रहा था। तो इसके बाद से मैंने जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, इसको ब्रेक करेगा, तो मैंने आपके लिए बोला था कि नेक्स्ट लेवल जो इसके लिए निकल के आएगा, वो आएगा आपका जो है 500 का, 62-500 का लेवल। तो मार्केट वहाँ तक भी गया है। तो आप इस तरह से देखिए, मैं किस बेस से एनालिसिस करता हूँ, आपको पूरा मैं डिटेल में बताता हूँ। अब हम चलते हैं चार्ट पे। चार्ट की हम एनालिसिस करते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो इसने दोबारा से 3 घंटे में एक ही रेंज में बना हुआ है मार्केट। ये मैंने आपको इस कैंडल में बेरी सिंगल पिंक पैटर्न बनाया था। नेक्स्ट में ये ओपन होता है डाउन साइड के लिए और ये 500 का लेवल ब्रेक करता हुआ 450 तक जाता है, लेकिन इसके बाद ये ऊपर की तरफ आ जाता है। अभी मार्केट में ये जो रेंज बनाया है 450 से लेके 350 की, अगर ये नीचे निकलता है तो फिर ये मार्केट 62 का भी लेवल दिखाएगा। उसके पीछे का रीज़न क्या है, मैं उसको अभी आपको और दिखाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। वो सपोर्ट अगर हम चलेंगे थोड़ा सा छोटा करते हुए इसको, तो सपोर्ट आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है जो 21 की यहाँ पे कैंडल है। तो यहाँ आप देखोगे पूरे दिन मार्केट इसी रेंज में घुमा है 21 को, तो ये इसके लिए जोन इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी मार्केट अगर इसका डाउन साइड मूव आता है, जैसा कि पॉसिबिलिटी है, तो फिर ये डाउनसाइड इसके लिए 62 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके बाद में 61-800 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन इन केस ही अगर इस जोन के ऊपर निकलता है, तो फिर फर्स्ट इसके ट्रेंड लाइन का इसको एज ए रेजिस्टेंस फेस करेगा, उसके बाद में ये जो जोन की लाइन मार्किंग मैंने कर रखी है 63-250 का लेवल, ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है 63 का है और 63,250 का लेवल है। नीचे की अगर बात करते हैं, तो इनिशियल फेज में अगर ये 400 के नीचे निकलता हुआ 350 को ब्रेक करता है, तब ये दोबारा से 200-250 पॉइंट का लेवल ये नीचे दिखाएगा, 62,000 का लेवल आपको दिखा सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं, ये प्रेडिक्शन है मार्केट के ओपनिंग के बाद में। मार्केट जिधर ओपन होगा, आपको उस तरह से प्लान करना है। यहाँ से आप देखोगे, ये जो रेंज इसने बनाया था, इसको ये ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया है, और नीचे ये जो इसका रेंज बना हुआ है, आप देखो इसी के अराउंड इसने कहीं पे ये आगे 500 का जो लेवल है, उसी पे ये कहीं बना हुआ है। तो ये भी इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों अप एंड डाउन जिधर भी निकलता है मार्केट, उधर आपको मोमेंटम अच्छा देगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न कैसे बना था और क्या वहाँ पे हमारा प्राइस एक्शन बनता हुआ नज़र आ रहा था। 4 आवर टाइम फ्रेम में हम चलते हैं। 4 आवर में ये जो बेरिश इंगल्फिंग का पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, आप देखिए ऐसे पैटर्न को आप देख सकते हैं मेरे कैंडलस्टिक पैटर्न में, मैं ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। बेरिश जितना बना उसके नीचे अगर आप देखेंगे, तो ये 63 के जब नीचे निकलता है, लगभग 400-500 पॉइंट का इसने डाउन मूव दिखाया है। तो 400-500 पॉइंट भी अगर आप ले लेते हैं तो ये अच्छा रहता है। अगर आप 3 लॉट 4 लॉट से भी करते हैं, तो आपको अच्छा 1000 से 2000 पॉइंट का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं इजी वे से। लेकिन पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे हैमर बना था, हैमर बनने पर ऊपर गया, ऊपर बनने के बाद में जो मैंने 600 का लेवल दिया था, यहाँ पे इसने रिएक्ट किया। 600 के नीचे जब ये निकलता है तो इंगल्फ कर देता है इसको। फिर हमने यहाँ पे श्योर हो गए थे कि नेक्स्ट कैंडल जो भी बनेगी नीचे जाएगी। थोड़ा इसने
ग्रीन किया ओपन होते हैं, अप डाउन करती रही, उसके बाद में इसने डाउन साइड मूव दिखाया, जो हमारा लेवल था वहाँ से आया। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग अगर करते हैं, बिलीव करते हैं अपने सेटअप पे, तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस भी रहते हैं। अब अगर डेली में भी अगर आपको कुछ देखना है, तो डेली में भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या सेटअप बनते हुए नज़र आ रहे हैं हमें। तो डेली टाइम फ्रेम में 2 दिन का जो फॉर्मेशन था, अगर आपको याद होगा तो मैंने ये दोनों कैंडल किया था कि आपको डिसाइडिंग करना है मार्केट किधर जाने वाला है। मार्केट आता लगभग इसी लेवल से रिएक्ट करके डाउन साइड आता है। तो अभी आज की जो ओपनिंग होगी, अगर इसके नीचे फॉल आना स्टार्ट होता तो नेक्स्ट कैंडल का जो पावर है यही कैंडल इसको रोकने वाली है, नहीं तो फिर इसके अगर ये भी ब्रेक करती है कल या फिर आने वाले दिनों में, तो फिर नीचे इसको रोकने वाला अभी नेक्स्ट लेवल 61 के अराउंड में ही नज़र आता है। तो मार्केट 62 का लेवल सस्टेन करता हुआ अगर 61,800 के नीचे निकलता है तो फिर आपके लिए डाउन मूव ज़्यादा रहेगा। एक आज के दिन नहीं होगा, ये आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में अगर डाउन मूव आता है तो पॉसिबिलिटीज़ हैं। कुछ एम टाइप का पैटर्न भी डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे थोड़ा सा बनाने लगा है ये, लेकिन अभी पूरा पूरा नहीं मान सकते। ये ऊपर गया था, थोड़ा नीचे आया, करेक्शन हुआ, अभी ऊपर गया है, दोबारा ये डाउन आने वाला है। अगर ये आता है तो अगर यहाँ से ऊपर निकल जाता तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नेक लाइन को ब्रेक करता तो फिर इसके लिए नेक्स्ट टारगेट यहीं पे नज़र आता हुआ दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे दोनों टारगेट्स हैं, आप यहाँ पे देखिए, सीखिए, लर्न करते रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू।